बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तैयब इर्दोगान के बारे में, जिन्होंने नींबू पानी बेचकर अपना गुजारा था बचपन, और आज है इस्लामिक मुल्कों के हीरो। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फोनिज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल तैयब इर्दोगान को कौन नहीं जानता। गजब, तैयब इर्दोगान दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आज सोशल मीडिया के जरिए इर्दोगान ने एक अलग ही पहचान बना ली है, और हो भी क्यों ना, जब भी दुनिया भर में मुसलमानों पर मुसीबत आती है, इर्दोगान उनके लिए हमेशा हर तरह से मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, चाहे फिर वो रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर बांग्लादेशी मुसलमान। अपने संघर्षपूर्ण भरे जीवन में इर्दोगान ने कभी हार नहीं मानी। अभी हाल ही में उनको अमेरिका ने भी हर तरह से झुकाने की कोशिश की, उन पर तरह तरह के टैक्स का बोझ डालकर उनके आर्थिक बजट को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। यहां तक कि तुर्की से आने वाले सामान का भी उन्होंने आयात बंद करवा दिया था। वक्त की नजाकत को देखते हुए एक एक कर कई मुस्लिम देश तुर्की के राष्ट्रपति के समर्थन में आ गए हैं। इर्दोगान का जन्म 1954 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के करीबी शहर कासिम पाशा में हुआ था। इनका परिवार यहाँ का नहीं थे, ये रहने वाले रीजा राज्य के थे, यहाँ आकर रह रहे थे। इनके पिता का नाम अहमद इर्दोगान और माता का नाम तंजीला इर्दोगान था। इनके पिता नेवी में कैप्टन थे, इसलिए इनका जीवन एक साहिल समुन्द्र पर आबाद शहर रीजे में गुजरा था। इनकी एक बहन वसीला और एक भाई मुस्तफा हैं। बीसीसी न्यूज़ के वर्ल्ड एडिशन में 4 नवंबर 2002 को बताया गया है कि तैयब इर्दोगान ने अपने नौजवानी के दिनों में नींबू सोडा पानी और तिल लगी हुई रोटी इस्तांबुल के मालदार झीलों की सड़कों पर बेचा करते थे, जिनसे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते थे। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात तुर्की देश इस्लामवादी प्रधानमंत्री से हुई। तैयब इर्दोगान ने तुर्की के इस्लामवादी आंदोलन में प्रवेश किए, और यही से इर्दोगान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1980 में तैयब इस्तांबुल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे। तभी सैन्य खतपाटल के बाद तुर्की में इस्लाम विरोधी सरकार ने जन्म लिया, जिसके चलते तैयब ने मूंछें दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, जिस पर तैयब इर्दोगान ने नौकरी छोड़ दी। तैयब इर्दोगान ने राजनीति की पहली सीढ़ी पर 1994 में कदम रखे और इस्तांबुल शहर के मेयर चुने गए। उस समय जनता 70 साल पुरानी पानी की समस्या पाइपलाइन बिछवाकर खत्म कर दिया। तैयब इर्दोगान ने हमेशा अपनी छवि को एक मुस्लिम रहनुमा के रूप में पेश किए हैं। 1994 से 1998 तक वह इस्तांबुल के मेयर रहे। उसके बाद 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री बने। 2014 से अब तक तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा भी वक्त हो तो उसी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।